आज से 20 साल पहले अगर किसी को एक्टर बनना था तो वो मुंबई की ट्रेन पकड़ते थे। किसी को बिजनेस में सक्सेसफुल होना था तो वो MBA करते थे और कुछ बेचना था तो घर घर पटकते थे। लेकिन इंटरनेट की वजह से चीजें काफी बदल गई हैं। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहे लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए बैंक बन गए हैं। एक पिता ने अपने बेटे के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बेसबॉल को कट करके उसके अंदर की चीजें दिखाते हुए वीडियो बनाई और आज यूट्यूब पे उनके 7 मिलियन प्लस फॉलोवर्स है और महीने के लाखों कमा रहे हैं। पूरी हिस्ट्री में प्रिंटिंग प्रेस के बाद का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन इंटरनेट से आया है जिसने चीजों को काफी बदल कर रख दिया है। इंटेल के चेयरमैन एंडी ग्रोव कहते थे कि आने वाले कुछ ही सालों में सभी कंपनीज इंटरनेट से जुड़ी कंपनी हो जाएगी और जो कंपनी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। टीवी का जमाना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लोग समझदार होने लगे हैं। लोग आज टीवी एड देख के चीजें खरीदने की बजाय इंटरनेट पे रिव्यूज देखते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं और अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने रेकमेंड की हुई चीजें खरीदते हैं। मतलब आज हर एक इन्फ्लुएंसर खुद एक ब्रांड बन गया है। इसलिए आज मैं एरिक जॉर्गेंसन की बुक द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि रियल वेल्थ क्या होती है, कैसे आने वाले टाइम में चीजें बेचने का पावर बड़ी बड़ी कंपनीज से शिफ्ट होकर इन्फ्लुएंसर के पास आ जाएगा, कैसे आप अकेले ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो जो हर महीने आपको लाखों रुपए कमा कर दे। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक फोटो देखा था जिसमें लिखा था कि बिजनेसमैन वो होता है जो $1 में केले खरीदता है और $2 में उसे बेच देता है, मतलब प्रॉफिट $1। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो $1 में केले खरीदता है, उस पर थोड़ा इनोवेशन करके मतलब केले का जूस बना के $10 में बेचता है। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर वो होता है जो $1 में केले खरीदता है, उस पर रिसर्च करके केले की न्यूट्रिशन वैल्यू बताता है, केले खाने के फायदे समझाता है, केले की रेसिपीज के वीडियोस बनाता है, मतलब केले की A to Z कुंडली निकाल के इंटरनेट पे लोगों को अवेयर करता है और सालों साल हजारों डॉलर कमाता है। प्रॉफिट आप ही कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन ये सब तभी हो पाता है जब आपका पर्पज और नियत साफ हो। पेटागोनिया एक ऐसी क्लोथिंग कंपनी है जो बड़ी होने की बजाय बेहतर होने में बिलीव करती है। समझाता हूँ कैसे। क्लोथिंग कंपनी होने के नाते उनको अपनी प्रोडक्ट बनाने में कुछ ऐसे केमिकल्स और मटेरियल्स का यूज करना पड़ता है जिससे एनवायरमेंट डैमेज होता है। तो उन्होंने अपना यह मिशन बना लिया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक के सभी काम एनवायरमेंट कॉन्शियस होकर ही किए जाएंगे। 2011 में पेटागोनिया ने लोगों के एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म को कम करने के लिए एक कैंपेन चलाया था, डोंट बाय दिस जैकेट नाम का। उनका एम था कि लोग चीजें खरीदे उससे पहले दो बार सोचे। वो मानते हैं कि भले ही हम ऑर्गेनिक और रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज करके क्लॉथ्स बनाते हैं लेकिन फिर भी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है और अगर आप इस कपड़ों को कुछ सालों तक नहीं पहनने वाले या आप कपड़े डोनेट नहीं करते तो प्लीज हमारी प्रोडक्ट मत खरीदिए, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो लाइफ टाइम चले। इस एथिक और ट्रांसपेरेंसी से कस्टमर्स के बीच उनकी ब्रांड लॉयल्टी इतनी बड़ी कि लोग उनके $900 के जैकेट्स यानी कि 65,000 का सिर्फ एक जैकेट भी शान से खरीदने लगे। 82-year-old पेटागोनिया के फाउंडर युवान चोइनार्ड कहते हैं कि ये कैंपेन कोई स्ट्रैटेजी नहीं पर हमारा पर्पस है और जब से हमने कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ को साइड पे रख के अपने पर्पस पे फोकस किया है तब से कस्टमर्स और पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, दुनिया में कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज है जो बड़ी होने की बजाय बेहतर होने में बिलीव करती है और इस आइडियोलॉजी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि हाँ, इंटरनेट से आप लाखों कमा सकते हो लेकिन उससे पहले आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। कास्पर एक ऐसी कंपनी है जो बनाती है मैट्रेसेस लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट बेचने की बजाय लोगों को स्लीप हाइजीन के बारे में अवेयर करती है और उनके मैट्रेसेस अपने आप बिकते हैं। अपनी प्रोडक्ट को कॉपीकेट होने से बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है आपकी पर्सनालिटी को ही आपकी प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाया जाए, क्योंकि लोग आपकी हर एक चीज कॉपी कर सकते हैं लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी कभी कॉपी नहीं कर पाएंगे। नवल रविकांत कहते हैं कि सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। अपने टाइम को पैसों से एक्सचेंज करके रोजी रोटी चल सकती है लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको इक्विटी यानी कि किसी भी बिजनेस में हिस्सेदारी या कोई ऐसा एसेट बिल्ड करना होगा जो सोते वक्त भी आपको पैसे कमा कर दे। दोस्तों, दुनिया के किसी भी काम में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, रिस्क और रिवॉर्ड, और ज्यादातर केसेस में इन दोनों का रिलेशन इक्वल का होता है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड लो रिस्क लो रिवॉर्ड, जिसे कहते हैं सिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी में रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी। नवल रविकांत ने एक बार ट्वीट करके 10 ऐसी एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था जिसमें रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड इनॉर्मसली हाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये वीडियो बनाने में मुझे 10 मिनट लगे लेकिन जब लाखों लोग इसे देखेंगे
तो सिर्फ एक बार के 10 मिनट के इनपुट से हजारों घंटे का आउटपुट वॉच टाइम के रूप में जनरेट हो सकता है। और यही है इंटरनेट बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा कि आप अपनी इनकम को रेप्लिकेट कर सकते हो। अगर हम एक थिएटर आर्टिस्ट की बात करें तो उसे पैसे कमाने के लिए हर बार परफॉर्मेंस देना पड़ता है। अगर आज दिल्ली में परफॉर्मेंस है तो कल मुंबई में होगी, परसों पुणे में, एटसेट्रा। पर जिस दिन ये आर्टिस्ट बीमार हो गया या किसी रीजन से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो उस दिन वो पैसे भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन इंटरनेट से ऐसा रेवोल्यूशन आया है कि अगर आप में काबिलियत है तो आपको अपना करियर बनाने के लिए अब किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। जिस आर्टिस्ट को टीवी शोज रिजेक्ट कर देते हैं वो इंटरनेट के लेवरेज से अपनी खुद की एक ब्रांड बनाते हैं और पैसा और रिस्पेक्ट दोनों कमाते हैं। अमीर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि उन्हें ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए जिसे वो रेप्लिकेट कर सके, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रॉयल्टी। जैसे जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर सिर्फ एक बार लिखी, लेकिन आज भी जब कोई हैरी पॉटर की बुक, टॉयज या गेम्स खरीदता है या इवन कोई हैरी पॉटर का थीम पार्क विजिट करता है तब भी उसकी रॉयल्टी, मतलब उसमें से थोड़े से पैसे जेके रॉलिंग की जेब में जाते हैं। इन शॉर्ट, उन्होंने काम एक बार ही किया लेकिन उसे टॉयज, गेम्स, थीम पार्क और मूवीज में रेप्लिकेट करके अपने लिए पैसे की पाइपलाइन बना ली। अगर मुझे कोई पूछता है कि मैं क्या काम करता हूँ तो मेरा जवाब होता है मैं एक छोटा सा किसान हूँ, डिजिटल किसान। मैं कंटेंट के बीज बोता हूँ जिनकी फसलें सालों साल रेवेन्यू जनरेट करती रहती है। कंपनी ऑफ वन होने का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। आप जब चाहें जो चाहें कर सकते हो। इंटरनेट बिजनेस में आपकी कॉम्पिटिशन वर्ल्ड वाइड होती है, ना कि आपके गली मोहल्ले वालों से। इसलिए आपको किसी स्पेसिफिक नीस को टारगेट करके उसमें अपनी ब्रांड बनानी पड़ेगी। थिंक मीडिया के फाउंडर कहते हैं कि इफ यू ट्राई टू रीच एवरीबडी यू विल एंड अप रीचिंग नोबडी। लोग इंटरनेट पे डांस सिखाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, इवन रिपेयरिंग और टेलरिंग सिखा के भी लाखों कमाते हैं। बस आपको किसी एक फील्ड में स्पेसिफिक रहना होगा। क्या आपको मिट्टी पसंद है? वेल, मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोगों को मिट्टी पसंद नहीं होती। लेकिन जैसन को बचपन से ही मिट्टी बहुत पसंद थी, इसलिए वो मिट्टी के बारे में पढ़ता रहता, उस फील्ड में रिसर्च करता रहता कि कौन इसे खरीदता है, कौन इसे बेचता है, सोल की कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, एटसेट्रा। उस पर वीडियोस बना के वो लोगों को होम गार्डनिंग सोल के बारे में अवेयर करता। और देखते ही देखते उसने खुद की एक ऐसी ब्रांड बना ली कि बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर और होम गार्डनिंग कंपनी उसे अप्रोच करने लगी। और ब्रांड प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए जैसन ने अपना मनपसंद काम अकेले करते हुए भी एक मिलियन डॉलर कंपनी बना ली। देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि वो अमीर तभी बनेंगे अगर वो बहुत पढ़ाई करेंगे या बहुत बड़ी जॉब या बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन फैक्ट तो ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है और इंडस्ट्री में उसकी डिमांड भी है, तो आप जैसन की तरह मिट्टी को भी सोना बना सकते हो और मिलियनर बन सकते हो। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के मिलियनर बनने के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो जॉब करते हो। एक टाइम था जब ऑयल एक इनोवेशन हुआ करता था जिसने जेडी रॉकफेलर को अमीर बनाया। एक टाइम था जब कार इनोवेशन हुआ करती थी जिसने हेनरी फोर्ड को रिच बनाया। लेकिन अभी टाइम है इंटरनेट का जिसने बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस को अमीर बनाया है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को ये बताने का कि आने वाले टाइम पे लोग बड़े बड़े मेगा कॉरपोरेशन से ज्यादा भरोसा कंपनी ऑफ वन यानी कि जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स पे करेंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बजाय लोगों को सिखाए। और उस ट्रस्ट और लॉयल्टी की वजह से लोग सामने से आकर आपको कहेंगे कि ये लो हमारा पैसा और लाओ अपनी प्रोडक्ट। आपका इंटरेस्ट चाहे जिस भी फील्ड में हो, पर मैं मानता हूं कि आप एक ब्रांड हो। यकीन नहीं होता, कोई बात नहीं, पर जिस दिन ये रियलाइज हो उस दिन मुझे याद करना। धन्यवाद।